क्या आप इस एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए? ब्रिंग समथिंग टू समवंस नोटिस, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है जो अक्सर आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो आइए इस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ आप कहते हैं, कोई इंसान किसी चीज के बारे में किसी को बताया, या कोई इंसान किसी चीज को किसी के सामने लाया यानी हाजिर किया। मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहां आप कहना चाहें, कोई इंसान किसी चीज के बारे में किसी को बताया, या कोई इंसान किसी चीज को किसी के सामने लाया या हाजिर किया, तो इस सूरत में आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस लेसन को शानदार तरीके से सीख सकें। अगर आपको कहना हो, मैं आपको हालात के बारे में बताऊंगा, तो इस सेंटेंस में मैंने बोला कि मैं किसी को किसी के बारे में बताऊंगा या किसी चीज के बारे में बताऊंगा। तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले जहां आपको ये कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताएगा, तो यहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे, मैं आपको हालात के बारे में बताऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, आई विल ब्रिंग सिचुएशन टू योर नोटिस, यानी मैं आपको हालात के बारे में बताऊंगा। यहाँ शुरू में मैंने बोला आई विल ब्रिंग, यानी मैं बताऊंगा या मैं लाऊंगा। आगे मैंने बोला सिचुएशन, यानी हालात को या माहौल को। और आगे मैंने बोला टू योर नोटिस, जिसका मतलब वो आप तक या आपके ध्यान तक। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वह हकीकत हमें बताई, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, वह हमारे सामने हकीकत लाई, या वह हमें हकीकत बताई, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, सी ब्रॉट ट्रूथ टू आर नोटिस, यानी वह हम लोगों के सामने हकीकत लाई, या वह हम लोगों को हकीकत बताई। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला, कोई इंसान कोई चीज किसी के लिए लाया या किसी को बताया। मैंने जज के सामने सबूत लाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, I brought evidence to judge's notice, यानी मैं जज के सामने सबूत लाया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में मैंने बोला कि कोई इंसान किसी चीज को किसी के लिए लाया या किसी को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब आपको कहना हो कोई इंसान किसी चीज को किसी को बताया या उसके सामने लाया, तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे।